लुधियाना के शिमलापुरी में बच्ची कत्ल मामले को लेकर रोष बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शहर के जत्थेबंदियों की ओर से कैंडल मार्च निकाल जहां बच्ची को श्रद्धांजलि दी गई, वहीं दोषी महिला के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही। वहीं पर अलग अलग जत्थेबंदियों ने कहा कि इस औरत को कम से कम फांसी की सजा देनी चाहिए। आज बड़े दुख की गल है और मैं समझता दुख नहीं रंज की काम है और जिन्ना अफसोस किया जाए वह घट है। लुधियाने के लिए बड़ी शर्मिंदगी की गल है। पंजाब की धरती का पूरा दिल हलूणिया गया और जिते जिते खबर जाएगी शायद कोई बंदा ऐसा नहीं होएगा जिहड़ा कि ना रोए। 2.5 साल की दिलरोस कौर वो गुआंढ च रहने वाली एक औरत जिन्हों वो बच्ची अपनी बार बार भूआ कहती है वो चक के ले जाती है और उन्होंने रेते दे विच दब दिंदी है। बच्ची के मूँह च रेता तुन तुन के पाया जाता है। बच्ची जब सिर चकती वो इट्टा मारिया जा। मैं समझदा कि ये ऐसी शर्मनाक हरकत है कि अगर कतल करने वाली औरत नू सरेआम फांसी ना दिती गई और सिर्फ एक हफ्ते के दौरान मुकदमे का फैसला करन ते बाद उन्होंने सरेआम फांसी नहीं दिती तो दिलरोस दे नाल ये इंसाफ नहीं होएगा। असीं अज सारे सिर्फ इसलिए इकट्ठे नहीं होए कि कल्ला दिलरोस नू इंसाफ चाहिए। दिलरोस ने तो शहादत दे दिती है लेकिन उन्हें साड़ी अखां खोलन लई दिती है। साडे समाज के विच कोई बाहरों अतवादी नहीं आ रहे। ये जिन्हां लोगों ने इस बच्ची का कतल किया है इनू दर्दनाक मौत मारिया इस 2.5 साल की बच्ची नू। बच्चे का तो कोई धर्म नहीं हुंदा, बच्चे की कोई जात नहीं हुंदी, बच्चे की तो किसी नाल दुश्मनी नहीं हुंदी, बच्चे के दिल तो किसी लिए रंजिश नहीं हुंदी। 2.5 साल की इस बच्ची का कतल और अगर असी अज भी चुप रहने लुधियाने वाले हो पंजाब वाले हो अज भी अगर इस कातल नू असी जल्दी फांसी ना दिलवा सके अज भी अगर साडी सरकार मौका वारदात के उत्ते कानून नवा लिया के फांसी का फंदा ना ला सकी आने वाले समय च दोबारा बच्चों का कतल होएगा तो मैं सोचता वो जिम्मेदार असी सारे समाज के लोग होवांगे। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। आज का जिहड़ा है रोस मार्च है कैंडल मार्च है बच्ची जिहड़ी दिलरोज कौर 2.5 साल की बच्ची उसकी गवांढण ने जिसनू बच्ची इन्ना प्यार करती सी अपनी भूआ कहती सी भूआ उन्हें एक बार बिठा के लालच दे के लै गई तो बच्ची तो अपनी ये सोच गई मैं भूआ ना घूमन जा रही हूँ। उन्होंने नहीं पता कि मैंने मौत के घाट उतारन वाली है। बड़ी बेरहमी के नाल उन्हें टोए दो पट्टे तो टोए दे मिट्टी के मूँह धुस के रिपोर्ट दस दी कि लंग्स तक मिट्टी गई है। वह सिर पर इट्टा मारिया गई तो उन्होंने सिर वह जमीन दफना के तो लत्त बाहर निकले। एड्डी बेरहमी ने उस बच्ची का कतल किया गया। अत निंदन योग है। इस औरत को घट्टो घट फांसी सज़ा मिलनी चाहिए है। असी पंजाब सरकार तो चन्नी साहब तो ये मंग करते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट ला के इनू शरेआम फांसी दी जानी चाहिए ताकि लोग यहोजी हरकत करने तो डरन। जुर्माने माफ होने ते आटो चालका ने किया सरकार का धन्यवाद पाए भंगड़े। बीते दिन मुख्यमंत्री पंजाब चरणजीत सिंह चन्नी वालों आटो चालका नाल मुलाकात करन ते उन्होंने जुर्माने सिर्फ 1 रुपए के जमा करवाने का ऐलान किया गया सी। जिहड़ा आदेश लागू होने तो बाद अज आटो चालक ढोल नगारियां बजाते हुए आटोज के नाल कैबिनेट मंत्री भरकुशन के लुधियाना स्थित दफ्तर पहुंचे। उत्थे ही जिन्हां आटोज के पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ते आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के पोस्टर लगाए गए सन उसे जगह से आटो चालकों ने खुद पंजाब सरकार के पोस्टर लगाए। एक उन्होंने सानू कहा भी ताडे लिए एक सर्टिफिकेट जारी करांगे जिदे को RC है वो सर्टिफिकेट लगो वो कोई कागज़ पत्तर नहीं चैक किया जाऊगा। कल जो असी RTA साहब को गए तो अपने जोड़े चलान रखे जोड़े आटो रिक्शा बंद सके तकरीबन काफ़ी देर तो डेढ़ साल तो बंद सके जिन्हें चलान के जुर्माने 17,000 तो लैके 47,500 रुपये तक से सानू बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट छड़े गए 1 रुपया नहीं लिया गया। असी धनवाद करने लिए अज भारत भूषण आशु जी का धनवाद करने लिए आए हैं ता जो जिहड़ा उन्होंने सानू वादा किया वह वादा पूरा निभाया। असी सरकारां तो यह मंग करते हैं भी तुसी साडा साथ देखो किड्डा वड्डा साथ है। एक बहुत वड्डा साडा यूथ आ बहुत वड्डा वोट बैंक आ तुसी इहनां दा ध्यान रखो ये हमेशा तुहाडे नाल है। तुहाडा देख लो थोड़ा छोटा जिहा काम कराण नाल इह किन्ना वड्डा धन्नवाद तुहानूं पूरा शहर करना आ। देखो गल इह नहीं उहनां नूं पता मैं तुहानूं अग्गे दसदा वह जिहड़ी आ वह आप कहिहड़े IRS लैवल सी ये जिहड़े जमीनी ने CM साहब ते आशू जी ये तुहाडे विच्चों उठ के जो इस लैवल ते पहुंचे उहनां नूं इहदा दिखली वो दिखावे करते हैं एक्चुअल इन्होंने दुख तकलीफ पता जी इन्होंने दुख तकलीफ दूर की मतलब कि हम दुख तकलीफ अगर भी बाकी लोगों मैं क्या तुम्हें पता ही है कि मैं बिजली बिल कोई गौरमेंट अज भी कोई CM साहब नवा अनाउंस कर रहे तुम्हें पता है
कुछ ना कुछ पंजाब के लोगों को रिलीफ देंगे। तो चन्नी साहब अनाउंस करके गए थे कि जेडे इन्हों के जुर्माने वो माफ़ कर दिए जाएंगे, तो कल इन्होंने दसिया भी कल इन्हों के काफ़ी हद तक जुर्माने माफ़ भी हो गए ने। तो लिए सीएम सर का धन्यवाद कर आए थे आशु जी के थ्रू कि वह इन मैसेज उन्हों तक पहुँचा देंगे। एक दो इन दर काम डिमांड सगिया वह हूँ आके दसनगे, तो मैं इन्हों विश्वास भी दिलानी हाँ कि असी जो भी सरकार वालों सहूलत है उन्होंने दी जाएगी, कि जो शहर की ट्रैफिक की प्रॉब्लम जिस तरह आम लोग कहें कि आटो करके आती है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिल के तो लुधियाना म्यूनसिपल कारपोरेशन मिल के वो वाल भी ध्यान देन, तो ताकि आप लुधियाने साफ सुथरा तो ट्रैफिक फ्री बना सके। लुधियाना के एक निजी होटल विखे पुलिस पब्लिक फाउंडेशन इंट्रैक्टन सैशन ला अते ऑर्डर नू लैके विशेष मीटिंग दा कीता गया आयोजन, जिस विच मुख मेहमान वजों लुधियाना पुलिस कमिश्नर नू शिरकत कीती। मीटिंग दे विच लुधियाना शहर के नामी डॉक्टर ते नामी इंडस्ट्री लिस्टां ने हिस्सा लिया। इंडस्ट्री लिस्टां दे वल्लों अपनी इंडस्ट्री दौरान आने वाली मुश्किलों के बारे जाणू करवाया गया। देखो बड़ा अच्छा इंट्रैक्टिव सैशन होया और बड़ा अच्छे सजेशन भी आए, लोगों ने अपनी फीलिंग्स जड़ियां बहुत अच्छी तरीके ने एक्सप्रैस कीतियां, खुल के कीतियां, जिस नाल के सानू जिथे इंप्रूवमेंट की लोड़ है वो चीज़ा भी पता लगियां, जो साड़िया प्रॉब्लम से वो भी असी शेयर कीतियां। सो बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म आज मिलया और मैं समझदा कि इतना बड़ा फ्रूटफुल होएगा। इसका कारण मैं तुम दसदा कि जिन्हें भी एरिए दे ऑफिसर से इंचार्ज ADCP साहबान SP लैवल दे ऑफिसर एंड अबव वो सारे प्रेजेंट से, चाहे वो ट्रैफिक वाला है चाहे वो जिहड़ा पुलिस स्टेशन कंट्रोल करते हैं, वो सारे बंदे इत्थे सीगे ऑफिसर और उन्होंने सारिया गल्लां खुद रूबरू होकर सुनिया, बजाय कि कल्ला मैं आउंदा तो उहदे नाल उहदा मैं उन्होंने की समझाउंदा, उन्होंने खुद सुनिया। और इहदे च जदों आपां इहो जिहा सैशन हुंदा है इहदा मतलब यही हुंदा कि असीं इत्थों कोई इंप्रूव करन की भावना ना जाइए तो इंप्रूव करिए।